नमस्कार, शाम का वक्त हो गया है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बता दें, मथुरा में आज पहली बार दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इसी चलते हमारे संवाददाता योगेश गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश गौतम जी, क्या है पूरा मामला, कहां कहां से पहलवान हैं वो कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं? क्षेत्र में अक्सर होते रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी के भाई बलदाव थे उनको बड़ा शौक था इस कुश्तियों का, तो उसके चलते उस परंपरा को निभाते हुए। योगेश जी, कितने दिन का आयोजन किया जाता है कुश्ती का? जी, ये आयोजन मैं आपको बता दूं कि ये कुश्ती का कोई एक दिन चुन लिया जाता है, यहाँ पे कुश्ती कराई जाती है। जी योगेश जी, इनाम क्या रखा जाता है पहलवानों के लिए? इनाम में रखा गया है, उसके साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक फार्म ट्रैक ट्रैक्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें, मथुरा से हमारे साथ में योगेश गौतम जुड़ चुके थे, जो कि लगातार वहां बने हुए हैं, जो कि वहां लगातार कुश्ती चल रही है, अनेक जगहों से पहलवान वहां आए। कोरोना कई राज्यों में अपना दबदबा बना चुका है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार COVID-19 की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी के चलते हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला? सर, आपको हम बता दें कि लालपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ वैक्सीन के टीके लगवाए जा रहे थे। तो यहाँ क्या, तो सरकार द्वारा 2 गज दूरी मास्क लगाना बहुत है जरूरी के आदेश है, वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिल्कुल 2 गज दूरी मास्क लगाना दूरी का बिल्कुल पालन नहीं कराया गया और उनके धक्के उड़ाई गई है। वही बिना हम पत्रकारों ने होमेश कुमार जी, जबकि लगातार कोरोना अपना प्रकोप बना रहा है, इस पर सरकार भी काफी ज्यादा अंकुश लगा रही है, फिर भी स्वास्थ्यकर्मी लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सर, इसमें ये कहना है कि हाथरस अभी सीएम साहब ने निश्चय किया, सीएम साहब ने सख्त आदेश दिए कि कहीं भी मास्क लगाया जाए 2 गज की दूरी का पालन कराया जाए, वहाँ 2 गज की दूरी का पालन नहीं कराया जाता है उसके खिलाफ सख्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमेश जी, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं COVID-19 की, क्या इस संबंध में आपकी किसी सच्चम अधिकारी से बात हुई है? हमारे स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हैं, वो पास सचिव, उनसे हमने बात करना चाहा तो उन्होंने मीडिया के बातों से बचते नजर आए इस बात के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, हमारे साथ में हाथरस से योगेश गौतम जी थे, जो बता दें कि लगातार जो है COVID-19 की धज्जियां उड़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं नजर आ रहे थे। एक और अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या था पूरा मामला? जी सर, रायबरेली में डी थाना पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय चोरों को भंडाफोड़ करते हुए 4 साथी चोरों को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। क्या किन किन चीजों को बरामद किया है पुलिस ने राजकुमार जी? सर, अभियुक्तों के पास से लाखों की कीमत में चोरों का माल बरामद हुआ है, नकदी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए चोरों को आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। पहले से ही अपर पुलिस अधीक्षक ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही अगली खबर है मथुरा से, देखिए ब्रेक के बाद। फ्रूट जम जिधर नजरें उधर, ऑलवेज रियल थिंग कोटा लोटा मैंगो ड्रिंक। वही अगली खबर बहराइच से है। बता दें, मामूली बात को लेकर दबंगों ने मचाया जमकर तांडव। ईंट पत्थर दोनों तरफ से बजाए गए। एक पीड़ित पक्ष था, बहुत भयंकर रूप से घायल हुआ है।
तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बहराइच से शुभम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शुभम मिश्रा जी, क्या था पूरा मामला? शुभम मिश्रा, क्या मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? शुभम मिश्रा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। क्या मामला था, किन बातों को लेकर जो आपस में विवाद हुआ था? देखिए भूषण, मैं आपको बता दूं, यहाँ बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर कल लबंगों ने युवक के घर में घुसकर डंडे से, लाठी डंडों से, पत्थरों से हमला कर दिया और युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहाँ तक ये भी बताया गया कि एक दबंग की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है, मगर किसी को उससे कोई चोट नहीं आई है, मगर दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। शुभम मिश्रा जी, क्या कार्रवाई पुलिस ने अभी तक कर पाई है? पुलिस ने अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस ने मुकदमा पंजी कर लिया है, मगर अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या आपकी इस संबंध में किसी आलाधिकारी से बात हुई है? हमारी किसी आलाधिकारी से बात नहीं हो पाई है, मगर बहराइच में दबंगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, बहराइच में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं।